डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका टेक्स्ट बुक से बहुत सुंदर चैप्टर है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। लेसन फोर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। इन पहले इन शब्दों का अर्थ समझते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन लेने से पहले चैप्टर का। डिस्कवरी मीन्स खोज होना, किसी चीज को ढूंढना, प्राप्त करना। डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया की खोज, इसके टाइटल का मतलब होता है नई दुनिया की खोज। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, पढ़ने में भी आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी एंड यू विल एंजॉय द चैप्टर। इंट्रोडक्शन की बात करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी है बच्चों अमेरिका की खोज की। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने अमेरिका की खोज की थी। दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द लाइफ एंड द अचीवमेंट्स ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस के जीवन और उन्होंने जो जीवन में प्राप्तियां की थी, उन्होंने जो अचीवमेंट्स किए थे, उसके बारे में हमें ये लेसन बताता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वॉन्टेड टू बिकम अ सेलर। शुरू से ही, यानी अपने जीवन के शुरुआती पीरियड से ही वो एक सेलर बनना चाहते हैं। सेलर क्या होता है बच्चों? सेलर होता है नाविक, जो कि बड़े जो जहाज होते हैं जिन पे जो लोग चलते हैं, जो सेल करते हैं समुद्र में, शिप्स में, वो सेलर कहलाते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 25 ही ओपन्ड अ शॉप दैट सोल्ड अ मैप्स एंड बुक्स। 25 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने एक दुकान खोली जिसमें वो किताबें और नक्शे, मैप्स यानी क्या होते हैं बच्चों, नक्शे, वो बेचते थे। रीडिंग अ बुक ऑफ मार्को पोलो इंस्पायर्ड हिम to go to Indies for a jewels and spices. जब उन्होंने मार्को पोलो नाम के व्यक्ति की किताब पढ़ी, उस किताब ने उनको इंस्पायर किया, प्रेरित किया। किस चीज के लिए? उन्होंने इंडीज यानी इंडिया की तरफ आने के लिए उनको प्रेरित किया, ठीक है। और किस चीज का उनके अंदर जिज्ञासा थी? ज्वेल्स, यानी यहाँ पे जो ज्वेलरी थी, जो सोना था, वो जो रत्न जवाहरात यहाँ पे मिलते थे वो, और यहाँ के स्पाइसेस यानी यहाँ के जो मसाले जो थे बच्चों इंडिया में जो प्राप्त थे, उन दोनों चीजों ने उनको काफी अट्रैक्ट किया। विद द हेल्प ऑफ द किंग ऑफ स्पेन, यानी स्पेन के राजा की मदद से, ही स्टार्टेड हिज वॉयेज ऑन अगस्त 2, 1492। 2 अगस्त 1492 को उन्होंने अपना व्योयज, व्योयज क्या होता है बच्चों? व्योयज का मतलब होता है जर्नी होती है, वाटर वे के थ्रू यानी पानी के रास्ते के थ्रू जो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं वो कहलाती है। ही स्टार्टेड हिज व्योयज ऑन अगस्त 2 यानी 2 अगस्त 1492 में, 1492 विद 3 ships। उन्होंने 3 जहाज के साथ अपनी जो जर्नी जो थी वाटर वे से वो स्टार्ट की। After 71 days, it means बच्चों तकरीबन कितने महीने हो गए? 71 days का मतलब हो गया बच्चों 2 months and 11 days, है ना बच्चों? 71 days का मतलब 2 महीने और तकरीबन 11 दिन के बाद, days and dangerous journey, और 2 महीने 11 दिन का समय व्यतीत करके और बड़ी ही खतरनाक यात्रा करके, he reached San Salvador नाम की जगह पे वो पहुंचे। ये फ्लोरिडा आइलैंड के पास है बच्चों, सैन सेल्वेडोर नाम की जगह फ्लोरिडा आइलैंड है वहां, विच वॉज नॉट इंडिया बट अमेरिका। वो इंडिया की खोज करने निकले थे लेकिन उन्हें इंडिया का रास्ता ना मिलके वो सैन सेल्वेडोर आइलैंड पहुंचे जो कि फ्लोरिडा के पास है। तो वो स्थान क्या था बच्चों? आज का जो अमेरिका है ये वो जगह थी। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़कर। स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्रिस्टोफर, क्या पढ़ेंगे बच्चों इनके नाम को हम? CHRIS, क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज बॉर्न इन जेनोवा इटली इन 1451। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? जेनोवा नाम की जगह है जो कि इटली में मौजूद है, 1451 में, 1451 में उनका जन्म हुआ था। लिविंग बाय द मेडिटेरियन सी ही लॉन्ग टू बी अ सेलर, ठीक है बच्चों। वो कहाँ रहते थे? मेडिटेरियन सी जो है बच्चों, समुंदर जो है उसके पास वो रहते थे। और बचपन से ही लॉन्ग का मतलब होता है बच्चों विश होना, विश, वो चाहते थे, इच्छा होना। उनकी क्या इच्छा थी? समुंदर के पास रहते थे तो उनकी इच्छा ये थी कि वो एक सेलर बने। सेलर का मतलब होता है नाविक बने। ही बिगेन सेलिंग ऑन इटालियन शिप्स एट द एज ऑफ 14। और इटली से जाने आने वाली जो शिप्स थी, जो जहाज से, उन्होंने उनपे जाना, सेल करना स्टार्ट किया था मात्र 14 वर्ष की उम्र से। बट कोलंबस वॉज 25 यानी कोलंबस जब
इंग्लैंड, उन्होंने उस शिप पे सेल किया जो कहाँ जा रही थी बच्चों, हेडेड फॉर इंग्लैंड, जो इंग्लैंड जा रही थी। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच पायरेट्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच पायरेट्स अटैक्ड हिज शिप, कोलंबस वॉज हर्ट बट ही मैनेज्ड टू ग्रैब ऑन टू सम फ्लोटिंग बोट एंड मेड हिज वे टू द शोर। क्या हुआ, पायरेट्स ग्रुप ऑफ सब पायरेट्स, पायरेट्स कौन होते हैं बच्चों, समुद्री लुटेरे जिनको हम कहते हैं, रॉबर्स होते हैं इन्वेडिंग शिप्स, ऐसे लुटेरे जो कि जहाज जो होते हैं उन पे हमला करते हैं और उनको लूटते हैं। तो फ्रेंच कुछ पायरेट्स हैं, उन्होंने उनके शिप जो कि इंग्लैंड के लिए निकली थी उस पे उन्होंने अटैक किया। तो जब कोलंबस जो थे वो किसी तरह से उन्होंने अपने अपने आप को बचाया और एक लकड़ी के टुकड़े पे बच्चों, फ्लोटिंग वुड का मतलब तैरती हुई जो लकड़ी थी, वो उसके ऊपर अपने आप को मैनेज किया और वो बड़ी मुश्किल से या किसी तरह से वो किनारे पे पहुंच गए। शोर का मतलब होता है बच्चों बैंक, यानी किनारा जो होता है वो शोर कहलाता है, सी शोर, समुद्र किनारा। कोलंबस ओपनड अ शॉप दैट सोल्ड मैप्स एंड बुक्स फॉर सेलर्स, कोलंबस ने क्या दुकान खोली बच्चों 25 वर्ष की आयु के बाद, जिसमें कि वो मैप्स और बुक्स बेचते थे सेलर्स के लिए। क्या होता है बच्चों, एटलास होता है जिसके अंदर मैप्स होते हैं, ऐसी बुक्स होती है जो अलग अलग शहरों के बारे में बताती है, समुद्री रास्तों के बारे में बताती है और गाइडलाइन देती है, ऐसी बुक्स वो बेचते थे। देयर ही बिकम अ मैप मेकर एंड बिगिन रीडिंग बुक्स देयर ही, और वहां पे उस शॉप पे वो मैप मेकर बने। मैप मेकर कौन होते हैं बच्चों, मैप यानी नक्शा होता है, मेकर यानी बनाने वाले, तो वो क्या बने बच्चों, मैप मेकर एंड बिगिन रीडिंग बुक्स, और उसके साथ साथ उन्होंने किताबों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। ही रीड अ बुक रिटन बाय द मार्को पोलो, मार्को पोलो ने जो किताब लिखी उन्होंने वो किताब पढ़ी। कोलंबस वॉज फैसिनेटेड बाय पोलोज बुक्स, और कोलंबस जो थे बच्चों, बहुत खूबसूरत वर्ड्स शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस बुक में, कोलंबस जो थे मार्को पोलो की बुक को पढ़ के फैसिनेटेड हो गए। फैसिनेटेड का क्या मतलब होता है बच्चों, अट्रैक्टेड हो जाना है ना, आकर्षित हो जाना। उन्होंने वो बुक पढ़ी और उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगी और वो बड़े प्रभावित हुए उस किताब से। आफ्टर रीडिंग दिस बुक कोलंबस वॉज श्योर ही कुड रीच द इंडीज बाय ट्रेवलिंग वेस्ट, और उस किताब को पढ़ने के बाद वो बड़े निश्चित हो गए, बड़े श्योर हो गए कि यदि वो पश्चिम की तरफ ट्रैवल करेंगे, वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे बच्चों, तो वो इंडीज यानी भारत की तरफ पहुंचेंगे। ही वॉन्टेड टू गो टू द इंडीज टू गेट ज्वेल्स एंड स्पाइसेस, वो इंडिया यानी इंडीज क्यों आना चाहते थे, उनको ज्वेल्स यानी जो हीरे जवाहरात थे वो पाना चाहते थे, और प्लस के यहाँ के स्पाइसेस यानी यहाँ के जो मसाले जो थे बच्चों, पूरे विश्व में भारत अपने मसालों के लिए, अपने ज्वेल्स के लिए, अपने गोल्ड के लिए, अपने रेशम के लिए, इन सारे प्रोडक्ट के लिए भारत जाना जाता था बच्चों, तो वो भी उसी चीजों से आकर्षित थे। कोलंबस आस्क्ड किंग जॉन सेकंड ऑफ पोर्टुगल फॉर 3 शिप्स टू ट्राई आउट हिज आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग वेस्ट टू रीच द ईस्ट। अब क्या किया उन्होंने, कोलंबस आस्क्ड किंग जॉन जो थे, जो कि स्पेन के राजा थे, किंग जॉन सेकंड को उन्होंने, पोर्टुगल के जो राजा थे, कोलंबस ने उनको रिक्वेस्ट की कि 3 नाव मुझे दे, 3 शिप्स दे, और वो अपने आइडिया पे ट्रैवल करना चाहते थे वेस्ट टू रीच द ईस्ट। वेस्ट से ट्रैवल करते तो कहां पहुंचे बच्चों, ईस्ट में। द किंग रिफ्यूज टू गिव हिम द शिप्स, राजा ने उनको मना कर दिया, रिफ्यूज करना मना करना, डिने करना है ना, इनकार करना कि हम तुम्हें जहाज जो है वो नहीं दे सकते। कोलंबस ट्राइड गोइंग टू अदर किंग्स इन फ्रांस एंड इंग्लैंड, और कोलंबस कहाँ गए अपने विश को पूरा करने के लिए बच्चों, कहाँ कहाँ के राजा के पास, फ्रांस के राजा के पास और इंग्लैंड के राजा के पास। दे वुड नॉट गिव हिम दी शिप्स, लेकिन उन्होंने उनको शिप्स नहीं दी। फाइनली कोलंबस वेन टू द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन, फाइनली यानी लास्ट जो कोलंबस जो थे वो स्पेन के राजा और रानी के पास गए। किंग फेडरिनेड एंड द क्वीन इजाबेला, ठीक है बच्चों, यहाँ पे राजा और रानी जो कि स्पेन के थे उनका नाम दे रखा है बच्चों, क्वीन इजाबेला के पास गए, और किंग जो थे फर्डिनेंड उनके पास वो गए किस चीज के डिमांड करने के लिए बच्चों, शिप्स के डिमांड करने के लिए। ही आस्क देम फॉर मनी टू ट्राई आउट हिज आइडिया, ही आस्क देम फॉर मनी टू ट्राई आउट हिज आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग वेस्ट टू रीच द ईस्ट। क्वीन इजाबेला गेव कोलंबस 3 शिप्स, और वहां की स्पेन की जो रानी थी उन्होंने कोलंबस को 3 जो शिप्स थी वो दी। अ क्रू ऑफ अबाउट 90 मैन, और उसके साथ साथ 90 व्यक्तियों का क्रू, क्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप दिया
जो कि उनके साथ वहां पे सेल करता है, एंड सम मनी और कुछ पैसे भी उनको दिए। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्वीन इसबेला जो थी उन्होंने क्या दिया था कोलंबस को, उन्होंने 3 ships दी थी, क्रू दिया था। क्रू क्या होता है बच्चों, जो शिप पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, इतने दिन का ट्रैवल करते हैं तो खाना भी बनाया जाता है, सफाई भी की जाती है, शिप की देखभाल भी की जाती है, तो बच्चों ये सारा काम क्रू का होता है जो शिप चलाते भी हैं, ठीक है। एंड अबाउट 90 men का क्रू दिया एंड सम मनी। द 3 ships वर द नीना, पेंटा एंड सेंटा मारिया। 3 ships कौन कौन सी थी बच्चों, नीना, पेंटा एंड सेंटा मारिया नाम की 3 ships लेके कोलंबस जो थे अपनी जर्नी पे निकल गए। बच्चों आगे कोलंबस ने अमेरिका को कैसे फाइंड आउट किया, बड़ी रसप्रद कहानी है, हम लोग नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।